मेरा नाम फातिमा उमर फारूक है और आज मैं आप लोगों को शख्सियत में खराबी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। बेसिकली आई वर्क इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या समझते हैं आप? पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बेसिकली है क्या चीज? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी डिसऑर्डर? शख्सियत में खराबी, हम क्यों कहते हैं कि लोगों की शख्सियत जो है इसमें खराबी हो रही है या इनके साथ इस मसला है कि कुछ इस तरह? हमें अक्सर आदत है हमारे माशरे में हम लोगों के किरदार के ऊपर, हम लोगों को जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि इसके बैठे बैठने का स्टाइल, इसके चलने का स्टाइल, इसके बात करने का स्टाइल बहुत मुख्तलिफ लगता है हमें। कभी हमने सोचा क्यों मुख्तलिफ हैं, या कभी कोई ऐसी बात कि भाई हमें पता चले कि आखिर ऐसा क्या है जो इन लोगों को, जिनको हम कहते हैं कि भाई ये हमसे मुख्तलिफ है, इनको मुख्तलिफ करता है, आखिर वजह क्या है इन सारी चीज़ों की? तो आज हम इन चीज़ों के ऊपर रोशनी डालेंगे। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, इसको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई पर्सनालिटी है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड पर्सनालिटी? हमारी आम जबान में पर्सनालिटी कहते हैं शख्सियत को। शख्सियत क्या होती है? किसी भी इंसान का सोचने का तरीका, उसके महसूस करने का तरीका और उसके अमल करने का तरीका यानी काम करने का तरीका, ये तीन चीज़ें, जो तीन चीज़ें होती हैं ये बनाती हैं शख्सियत। ये तीन चीज़ें शख्सियत बनाती हैं। शख्सियत इन तीन चीज़ों का निचोड़ है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लाइक हाउ पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन हैविंग बाय हैविंग डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। व्हेनेवर वी ऑल नो दैट अल्लाह हैज क्रिएटेड अस इन वेरी डिफरेंट फॉर्म्स विद नो, वी ऑल हैव नो सेम फिंगरप्रिंट्स, हमारे फेस का स्ट्रक्चर, हमारी हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। बिल्कुल इसी तरह हम जो ज़ाहरी तौर पे अलग हैं तो हम अंदरूनी तौर पे भी अलग हैं। हमारा सोचने का तरीका, हमारा महसूस करने का तरीका, हमारा एक चीज़ों को देखने का तरीका, ये सारी चीज़ें हर इंसान की अलग है, किसी की सेम नहीं है। आगे हम चलते हैं डिसऑर्डर पे। जबकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हम शख्सियत की ख़राबी के बारे में बात करेंगे, तो भाई ख़राबी क्या चीज़ है? ख़राबी आखिर है क्या? हमारा हम किस को कहते हैं कि ख़राबी क्या है? An illness that disrupts normal or physical mental, physical or mental function. यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी बीमारी जो आम जहनी और जिस्मानी अफाल को मुतासर करती है। डिसऑर्डर इस चीज़ को कहते हैं। कोई भी बीमारी जो आपके जो जिस्मानी और आपके जहनी जो सिस्टम अंदर अल्लाह ताला की तरफ से चल रहा है उसको मुतासर करे, उसको हम बीमारी कहते हैं, उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, यानी शख्सियत की अमराज की, कि हमारी शख्सियत जो है वो किस तरीके से जो है वो उसको मो मुतासर होती है, किस तरीके से, आखिर है क्या चीज़ जिसकी वजह से हमारी शख्सियत इतनी मुतासर हो जाती है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आर कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एन एवरेज पर्सन। यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो इस बीमारी से, जो इस बीमारी में मुबतला शख्स है, वो किस तरीके से दूसरे आम इंसानों से मुख्तलिफ है। लाइक उनके सोचने का तरीका, कि वो किस तरीके से सोचते हैं, उनके चीज़ों को देखने का तरीका। हम सब जानते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एवरीथिंग हैज टू पॉइंट ऑफ व्यू, द वन इज पॉजिटिव एंड द वन इज नेगेटिव, एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस दैट हाउ वी आर गोइंग टू टेक इट, है कि हम उसको कैसे लेके चलेंगे। हमारा सोचने का तरीका, हमारा महसूस करने का तरीका, कि हम किसी शख्स के बारे में कैसे महसूस करते हैं और फिर उसके बाद हम लोगों को कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें जब एक आम इंसान से, एक इंसान की आम इंसानों से हट जाती हैं, यानी ये मुतासर होना शुरू हो जाती हैं, तो ये शख्सियत के अमराज में बन जाता है, यानी उसके शख्सियत मुतासर होती है और ये शख्सियत के अमराज में आ जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि शख्सियत के अमराज वो हालात हैं जिनमें एक फर्द बाकी तमाम लोगों से नुमाया तौर पर मुख्तलिफ हो जाए। यानी इस मर्ज में मुबतला शख्स के सोचने का तरीका, दूसरों को समझने का तरीका, महसूस करने का तरीका, या लोगों को जानने का, उनसे बात करने का तरीका, सब कुछ बदल जाए, तो इस चीज़ को हम कहते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शख्सियत के अमराज। अब हम आगे चलते हैं। आखिर भाई ये बीमारी क्या है, मतलब ये जो बीमारी मैं आपको बता रही हूँ ये क्यों होती है, इसकी कोई वजह तो होगी। हर चीज़ की वजह होती है, कोई चीज़ बेवजह नहीं होती। चेंजेस इन हाउ पर्सन फील, किस तरीके से कोई शख्स जो है वो महसूस करता है, उसमें जो है वो चेंजेस आना, उसमें जो है वो चीज़ों को बदलना। डिस्टॉर्टेड बिलीव अबाउट अदर पीपल, कहते हैं कि भाई इसमें ये बीमारी होती क्यों है, जब एक इंसान जो है ना उसका सब बदल जाए कि वो किस तरीके से महसूस करता है। यानी अगर इसकी मिसाल ये है कि आप एक
किसी के सामने उसके पसंदीदा चीज लाकर रख दें जो वो पिछले कई सालों से बहुत शौक से खाता है, और एकदम से वो कहे कि यार मुझे तो ये चीज पसंद नहीं, मुझे तो इसकी खुशबू से भी मसला है, वो एकदम से बदल गया ना, यानी उसके जो एहसास है उस चीज के बारे में वो बदल गए। उसने फिर कोई वजह बता दी कि भाई फला वक्त एक शख्स जो मुझे बहुत बुरा लगता है उसने ये चीज खाई थी इसलिए मुझे चीज अब बुरी लगने लगे। यानी इस तरीके का टूटा फूटा सा उसका एक दिमाग में बिलीफ बन गया है, यानी उसका एक दिमाग बन चुका है कि भाई ये कोई अजीब सी चीज हुई थी इसलिए मैंने ये चीज ही छोड़ दी इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि अबाउट अदर पीपल, लाइक दूसरों से, यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि दूसरों के मुताबिक, दूसरों के साथ, यानी आपने और बिहेवियर रखना शुरू कर दिया। साहिर सी बात है, जब आपके एहसास बदलने लग जाएंगे, जब आपका लोगों को देखने का तरीका बदलना लग जाएगा, तो आप फिर कैसे उस शख्स के साथ जो है वो उन लोगों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे? अगर आपको कोई शख्स की कोई बात नहीं पसंद आ रही या आपको उसको कुछ चीज, तो आप कैसे उसके सामने कहेंगे कि यार उसको कैसे मुस्कुरा के देखेंगे? आपको तो वो पसंद ही नहीं आ रहा, तो आप उसको कैसे मुस्कुरा के देखेंगे? वही चीज। और ये चीज जो होती है डिस्ट्रेस करती है, यानी स्ट्रेस पैदा करती है आपके अंदर, आपको परेशानी देती है, और ये आपकी जो हरकत है, फिर जब आप इन सब चीजों से गुजरते हैं और फिर आपके कुछ अमाल ऐसे हो जाते हैं जो दूसरों को जो है वो पसंद नहीं आ रहे होते, और फिर वो उनको अपसेट करना शुरू कर देते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल आप ले सकते हैं कि एक घर में एक बच्चा है जिसके साथ ये उसको ये मर्ज है, उसको शख्सियत का मर्ज है, वो एक वक्त में कुछ और है, एक वक्त में कुछ और है। अब उसकी मामा उसके लिए उसके पसंद का खाना बनाकर ला रही है, लेकिन वो एकदम से कह रहा है कि नहीं मुझे ये चीज नहीं पसंद, आप मुझे मत दें ये चीज। तो ये उसका गुस्से का रवैया, उसकी अम्मा से गुस्से से बात करना, उसने जो वो चीज है, उसकी माँ को परेशानी हुई, उस बच्चे को भी परेशानी हुई कि मेरी अम्मा क्यों ले आई है, वो तो हुई हुई, लेकिन जो उसकी माँ को परेशानी हुई और वो जो परेशान हो गई कि आखिर अल्लाह खैर करे उसको हुआ क्या एकदम से। तो ये चीजें होती हैं इसके अंदर। जो कॉमन फीचर्स जो डिफरेंट क्लाइंट्स में हमारे पास ऑब्जर्व किए जाते हैं वो ये है, बींग ओवरवेलम्ड बाय नेगेटिव फीलिंग्स। नेगेटिव फीलिंग्स में आपके पास एंजाइटी, वर्थलेसनेस, एंगर और डिस्ट्रेस आता है। यानी जिस शख्स को ये बीमारी होती है, ये अमराज होते हैं, वो परेशान रहते हैं, उनको एंजाइटी होती रहती है, और उसके अलावा जो है वो ऐसा फील करते हैं कि भाई हमें तो दुनिया में किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं, हम तो कोई अहमियत नहीं रखते, हर कोई हमें जो है वो हमारी कोई अहमियत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है, और वो हमेशा गुस्से में रहते हैं। अवॉइडिंग अदर पीपल एंड फीलिंग एम्प्टी एंड इमोशनली डिसकनेक्टेड। ऐसे अमराज के शख्स आमतौर पर दूसरे लोगों से बात नहीं करते, वो लोगों को अवॉइड करते हैं, वो चाहते ही नहीं कि हमारा किसी किस्म से उनके साथ कोई कम्युनिकेशन हो, और जब ऐसी वो फीलिंग रखेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि हमें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो अंदर से खाली महसूस करना लग जाएंगे। उसके बाद वो इमोशनली डिसकनेक्टेड, यानी कोई इमोशंस नहीं रह जाएंगे उनके अंदर, वो समझेंगे कि भाई हमारे कोई इमोशंस है ही नहीं इस चीज में। डिफिकल्टी मैनेजिंग नेगेटिव फीलिंग्स विदाउट सेल्फ हार्मिंग। सेल्फ हार्मिंग की जो फीलिंग्स होती हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं, यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, कोई अगर उनको कोई बीमारी है तो उसकी दवाई दी जाती है, तो वो उसको दवाई अगर एक वक्त में एक खुराक है तो वो एक वक्त में 5-6 खुराक लेना शुरू कर देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपने आप को बर्बाद की तरफ चल जाते हैं, यानी उनका दिल चाहता है वो अपने आप को बर्बाद करें। और बहुत कम केसेस में होता है कि वो दूसरे लोगों को जो है वो दूसरे लोगों के लिए खतरा बनते हैं, यानी ये कम होता है लेकिन ऐसा होता ज़रूर है। ऑड बिहेवियर, और बिहेवियर यानी आप कह सकते हैं कि जब आप अंदर से खाली हैं, जब आपके अंदर परेशानी भरी हुई है, जब आप बेसकून हैं, आपके अंदर सुकून नहीं है, तो कैसे फिर आप सही सही काम करेंगे? अगर किसी ने पानी का गिलास उठाना है, एक मिसाल है, अगर किसी ने जो है वो पानी का गिलास उठा के भरना है, तो आम लोग क्या करेंगे? गिलास उठा के भरेंगे, उसको जाएंगे भरेंगे, ऐसे शख्स से करेंगे, वो परेशान होंगे, परेशानी का है, हम तो ग्लास पानी में ये पानी भरना है ग्लास में, हम क्या करेंगे, वो परेशान होते रहेंगे, और इस परेशानी के आलम में या तो पानी गिरा देंगे या तो ग्लास तोड़ देंगे। डिफिकल्टी मेंटेनिंग स्टेबल एंड क्लोज रिलेशनशिप। हमेशा याद रखें, आपकी शख्सियत जो होती है ना, वो आपके साथ साथ जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी बहुत ज्यादा मुतासर कर रही होती है। ऐसे लोग जो इस ऐसे अमराज में मुब्तला होते हैं, इनके साथ रिश्तेदारी, किसी भी किस्म के ताल्लुक को बहुत मुश्किल से ही जिंदगी मिलती है। वो ऐसे जो रिलेशनशिप्स होते हैं जो ऐसे लोगों के साथ होते हैं, वो ज्यादा देर तक चल नहीं सकते, और अगर चल भी रहे हैं तो उनमें बहुत ज्यादा इख्तलाफात होते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो मरीज होते हैं, इनके अंदर मतलब इनके अंदर सोचने का, समझने का हर चीज बदल चुकी होती है, ये आम इंसानों की तरह वो उस चीज को नहीं समझ सकते, इस वजह से इनके जो है वो रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, इनके जो पार्टनर्स होते हैं, जो स्पाउसेस होते हैं, उनको बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, इनके बच्चों को, बच्चे बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं इस चीज से, बच्चों से नहीं बनती, एंड प्रोफेशनल करियर,
जिस करियर को परस्यू करना चाह रहे होते हैं वो भी नहीं हो सकता है इनसे, क्योंकि इनको हर चीज से मसला होने लग जाता है। ये ऑफिस में है, ऑफिस में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, इनको वो हर चीज जो है वो परेशान करती है। समटाइम्स बाज औकात ऐसा होता है कि दे लूज कॉन्टेक्ट विद द रियलिटी। बाज औकात ऐसा होता है कि ये लोग जो आम हकीकत जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, ये उस हकीकत में रहना छोड़ देते हैं। ये अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाते हैं, ये अपने दिमाग में बैठ के सोचते रहते हैं कि अच्छा ये एक ये चीज तो ऐसे है। और फिर वो क्या होता है कि जब ये इतना ज्यादा सोचते हैं कि अगर हम एक मिसाल लेते हैं कि एक लड़का है, उसको ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वो ये सोच रहा है अपने ख्याल में, वो ये सोच रहा है कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, वहाँ सब मेरे पसंद के लोग हैं। जब वो ये चीज बना रहा है, उसका स्ट्रॉन्ग, उसका जो ख्याली था वो इतना मजबूत हो चुका है कि अब उसको रियलिटी में नहीं रहने दे रहा। वो आम जो जिस जिंदगी में मैं और आप रह रहे हैं, जिस दुनिया में, वो उस दुनिया में कुछ नहीं कर पाता। या तो वो बैठा रहता है, या तो वो लेटा रहता है, और वो वही चीजें सोचता रहता है। उसको उस दुनिया में सुकून मिलता है तो वो वही रहता है, वो अपनी असल जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। अब यहाँ पे सबसे बड़ी वजह आती है कि जो ऊपर जितनी मैंने आपको कंडीशंस बताई कि आखिर लोग ऐसी क्या वजह हो जाती है जिसकी वजह से लोग इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा वो तो ये है कि इस बीमारी के अंदर होता क्या है। यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि आखिर ऐसी वजह क्या है कि लोग इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। अब तक की जितनी रिसर्चेज आई हैं, मतलब जितनी ज्यादा रिसर्चेज आई हैं, उन सब का निचोड़ है यहाँ पे। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स टिपिकली इमर्ज इन एडोलेसेंस। ये बीमारी ज्यादा जवानी में आती है, ये बीमारी जवानी में होना शुरू होती है और ये जाती है आपके एडल्टहुड तक, लाइक बुढ़ापे से पहले पहले ये उस वक्त तक जाती है बीमारी। इसकी भी किस्म है, ये बहुत कम होती है, या तो ये बराबर होती है, या तो ये बहुत ज्यादा लोगों में पाई जाती है। कहते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी जो शख्सियत के अमराज हैं, या तो ये जेनेटिक या फैमिली फैक्टर्स की वजह से होते हैं। जीन्स में, यानी अगर आपके किसी आपके खानदान के किसी आपके फोर फादर को, यानी कि या किसी और मेंबर को जो है ये बीमारी है, तो आगे जाके हो सकता है कि उनकी नस्ल में से किसी को ये बीमारी हो, या हो सकता है कि आपके जो फैमिली है, जो आपकी घर वाले हैं, आपके घर का जो माहौल है, वो कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको ये बीमारी हो गई हो। या ये भी हो सकता है कि बचपन में आपने जो है वो बहुत ज्यादा डर, खौफ, परेशानियां देखी हुई हो, या आपको बहुत ज्यादा जो है वो मार पड़ी हो। अब्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। यानी अब्यूज में यहाँ देखें, आप कह रहे हैं कि भाई एज ड्यूरिंग फेयर ड्यूरिंग चाइल्डहुड सच इज निग्लेक्ट और अब्यूज, यानी बच्चे के अंदर खौफ भर दिया जाए किसी चीज का, या उसको जो है वो तवज्जा ना दी जाए। एक बच्चे को बहुत तवज्जा की जरूरत होती है, जब उसको वो तवज्जा ना दी जाए तो हो सकता है कि आगे जाके अपने जवानी में, एडोलेसेंस में, वो ये चीज उसके अंदर आ जाए। अब यहाँ पर बात हम करेंगे कि जो शख्सियत के अमराज होते हैं इनकी तीन किस्में होती हैं। इनको तीन क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया, यानी इनके तीन ग्रुप बना दिए गए हैं। ये इतनी ज्यादा वास्ट हो गई है, इस जो ये टॉपिक है हमारा, ये इतना ज्यादा वास्ट है कि इसके अंदर भी मौजूद इस क्लस्टर्स हैं, और इन क्लस्टर्स की जो बीमारियां उनको भी आगे आगे लेके जा चुका है। यानी ये रिसर्च बहुत बड़ी है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो ये बहुत जबरदस्त है। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी बहुत किस्में हैं, तो तीन किस्में जो हैं वो हम जिसमें इनको डिवाइड किया गया है वो है ए बी एंड सी, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्लस्टर ए के जो शख्सियत के अमराज हैं, यानी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, इनके अंदर क्या क्या इस चीज के अंदर जो बीमारियां आती हैं, आखिर उन लोगों के साथ क्या क्या मसले होते हैं। अ पर्सन विद क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर टेंड्स टू हैव डिफिकल्टी रिलेटिंग टू अदर्स एंड यूजुअली शोज पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर मोस्ट पीपल वुड रिगार्ड एज ऑड एंड ईसेंट्रिक। यहाँ ये कह रहे हैं कि जिस शख्स को क्लस्टर ए के वाले पर्सनालिटी डिसऑर्डर में से कोई एक भी डिसऑर्डर है, उसको सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि वो लोगों की बात से सहमत होने में मसला होता है, यानी डिफिकल्टी रिलेटिंग टू अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक ग्रुप बना दिया जाए कुछ लोगों का, उसमें से एक शख्स को जो है वो क्लस्टर ए वाली बीमारी है, यानी ये शख्स की बीमारी उसको है क्लस्टर ए में, वो जैसे बाकी लोग उस एक मामले को उनके सामने जो पेश किया समझे, वो उनके बरक्स बहुत अलग तरीके से उसको समझ रहा है। यानी वो समझ नहीं पा रहा कि लोग क्यों इस मामले को इस तरीके से लेकर जा रहे हैं, हालांकि ये मामला तो इस तरीके से लेकर जाने वाला है इस चीज पे। और फिर जब आप दूसरे से इख्तलाफ रखेंगे तो फिर आप काम भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे, आप हरकत भी बिल्कुल वैसे ही, आप अपना नजरिया लेकर जाएंगे, दूसरे का नजरिया तो नहीं लेकर जाएंगे ना। तो फिर जब ऐसे इस बीमारी में मुब्तला शख्स अपने नजरिए से काम करते हैं तो लोग उनको कहते हैं कि यार ये तो बड़ा अजीब शख्स है, ये तो संकी है, ये पता नहीं कहाँ रहता है, ये तो बाज औकात हमारे माशरे में उनको कहते हैं, उनको मतलब लोगों को इस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है, वो समझते हैं ये तो पागल है, ये तो बिल्कुल अजीब सी हरकतें करता है, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है।
अदर्स में डिस्क्राइब देम एज लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड ऑफ देयर. वो कहते हैं भाई पता नहीं कौन सा अपना अपने दुनिया आबाद की भी है, ये तो उसी दुनिया में रहता है, पता नहीं कौन कौन से ख्यालात और अजीब अजीब सी हरकतें करता रहता है. ये भाई अजीब सा है भाई, हम इसके साथ काम नहीं करेंगे. इसकी जो बेहतरीन मिसाल है इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, वो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है. पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि इस बीमारी के अंदर जो जो मुतासरा शख्स होता है वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस और डिस्ट्रस्टफुल होता है. यानी वो बहुत ज़्यादा उसको लोगों पे यकीन नहीं होता, उसके अंदर बेयकीनी और बेचैनी होती है. यानी उसके अंदर एक सस्पिशियस मतलब उसको परेशानी होती है, उसको यकीन नहीं होता लोगों, बेयकीनी होती है. और वो इसी चक्कर में रहता है कि मुझे आखिर पता तो चले कि ये चल क्या रहा है. यानी उसमें क्यूरियोसिटी अजीब किस्म की होती है, उसको यकीन नहीं होता किसी पे कि ये जो लोग बात कर रहे हैं कि पता नहीं सही कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसलिए वो अपने उस पर चलता है. क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स. A person with cluster B personality disorder struggles to regulate their feelings and often swings between positive and negative views of others. Cluster B में जितनी बीमारियां आती हैं उनके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो मुतासर शख्स होता है उसको अपनी फीलिंग्स यानी अपने एहसास और जज्बात को जो है वो एक आम इंसान की तरह नहीं करना आता. वो हमेशा जो है वो कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव व्यू में चला जाता है. इसमें ये होता है कि इसकी मिसाल ये है कि एक शख्स है, वो अगर एक आपका घर का मतलब एक हम इस मिसाल ये ले लेते हैं कि आपका एक बच्चा है, आपका बच्चा कभी आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, वो कभी आपको बहुत अच्छा समझ रहा है, वो आपकी तारीफें कर रहा है, वो आपकी गुण गा रहा है, वो आपको हर चीज़ पसंद कर रहा है, आप उसके लिए जो पसंद कर रहे हैं वो कह रहा है दीदी मामा मैं यही चीज़ लूंगा या दीदी बाबा मैं यही चीज़ लूंगा, मैं बिल्कुल यही चीज़ पसंद करता हूँ. कुछ लम्हे बाद वो बच्चा आपके खिलाफ हो जाए और आपको कहे नहीं भाई मुझे आपकी बात पसंद नहीं, ये कि आपने मुझे लेके दे दिया. 10 सेकंड पहले जिस चीज़ को वो पसंद कर रहा था वो उस चीज़ के खिलाफ हो जाए और उसको ना पसंद करने लग जाए. यानी एक चीज़ के बारे में वो मुस्बत चीज व्यूज रख रहा था, मुस्बत एहसास रख रहा था, और थोड़ी देर बाद ही फौरन ही वो उस चीज़ के बारे में जो है वो मनफी असर जो है वो व्यूज रखने लग गया कि भाई ये क्या मुझे पकड़ा दिया ला के आप लोगों ने, मैं तो पसंद ही नहीं करता इसको. तो ये होता है मूड स्विंग. एक वक्त एक फौरन ही एक इंसान हंस रहा है, चंद लम्बे बाद ही वो रोने लग जाएगा उस बात पे, क्योंकि मुझे तो बात पसंद नहीं है जिस पर वो थोड़ी देर पहले हंस रहा था. ये चीज़ आती है यहाँ पे. और जब ऐसी चीज़ें होंगी, जब एक इंसान का मूड, जब एक इंसान की फीलिंग ही सही नहीं होंगी यानी नॉर्मल नहीं होंगी, तो उसका जो बिहेवियर है, जो उसके काम करने का तरीका है, वो कैसे नॉर्मल हो सकता है. जब एक चीज़ एक शख्स को पसंद आ रही है वो उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करेगा, उसने वो हासिल कर ली, लेकिन चंद लम्बे बाद ही वो उसको पसंद नहीं, वो उसको तोड़ देगा. तो इस चीज़ को, ये जो बिहेवियर, जो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर है, ये इनका जो है वो डिस्टर्बिंग है, अनप्रिडिक्टेबल है. किसी को कुछ नहीं पता होता कि ये हर लम्हे यानी किसी भी लम्हे कुछ भी कर सकते हैं, और बाज़ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग होता है. यानी जैसे मैंने आपको बताया कि एक बच्चे को एक खिलौना बहुत पसंद है, चंद लम्हे बाद वो उसको तोड़ देता है. लोगों के लिए तो डिस्टर्बिंग है, यार ये कैसे हरकत कर रहा है, अभी पसंद था, अभी गले लगा था, अब तोड़ दिया जमीन पे फेंके. ऐसे लोगों को ड्रामेटिक भी कहा जाता है, यानी हर चीज़ को बढ़ा बढ़ा के बताते हैं. अगर किसी बच्चे को चोट लगी है तो वो रो रहा है, एक नॉर्मल बच्चा रो रहा है, उसको उसकी पसंद की कोई चीज़ दी जाए या कुछ ज्यादा, वो खामोश हो जाएगा. अगर एक इस मुब्तला जो इस चीज़ में मुब्तला जो शख्स है, अगर उसको कोई चीज़ दी जाए और वो मतलब उसको कोई चीज़ चोट लग जाए या कुछ होता है, वो उसको बढ़ा बढ़ा के बताए, उसको इतनी तकलीफ दर्द नहीं होगी जितना वो, लेकिन वो अटेंशन हासिल करने के लिए बढ़ा बढ़ा के बताएगा. जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ये सारी चीज़ें बचपन में जो बच्चों को तवज्जो नहीं मिलती उसके बाद होता है, तो इसमें ये चीज़ भी शामिल है. देखिए किस तरीके से जो है इन लोगों को जब वो ऐसी हरकतें करते हैं लोग समझते हैं यार कितना ड्रामेटिक या कितना ड्रामा अरेंज करते हैं. इसकी बेहतरीन मिसाल है हमारे पास बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है कि एक इंसान इमोशनली अनस्टेबल होता है, उसके पास उसके इम्पल्स यानी उसको अपने आप को नुकसान पहुंचाने का बहुत ज़्यादा मतलब होता है इसमें. यानी एक शौक कह लें या बेचैनी कह लें. इंटेंस एंड अनस्टेबल रिलेशनशिप विद अदर्स. इंटेंस का मुराद है कि कभी वो बहुत ज़्यादा उस शख्स से करीब होते हैं, कभी वो उस शख्स को छोड़ के दूर चले जाते हैं. यानी हर चीज़ होती है शिद्दत के साथ करते हैं, वो मोहब्बत भी शिद्दत के साथ करते हैं, नफरत भी शिद्दत के साथ करते हैं. अनस्टेबल रिलेशनशिप, जैसे बताया कि भाई जब आपका सोचने का नज़रिया ही हर सेकंड बाद तब्दील होता है, तो कैसे आप किसी के साथ जो है वो एक स्टेबल रिलेशनशिप रख सकते हैं. इसलिए इनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मुतासर रहते हैं. क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. अ पर्सन विद क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर स्ट्रगल्स विद परसिस्टेंस एंड ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ फियर एंड एंजाइटी. जो शख्स क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ मुतासर होता है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और उसको खौफ होता है, उसमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, उसको बेचैनी होती रहती है, उसको खौफ आता रहता है, उसको डर लगता रहता है, और ये ख़त्म नहीं होता, ये कंटिन्यूसली ये ज़्यादा से ज़्यादा होता रहता है.
दिस मे शो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर मोस्ट पीपल रिगार्ड एज एंटी सोशल एंड विथड्रॉल. जब उनको हर चीज का खौफ होगा कि अरे मैं किसी को सलाम करूंगा तो ये ना हो जाए, मैं किसी को जो है वो बात करूंगा तो ये ना हो जाए, मैं घर से बाहर जाऊंगा तो कहीं ये ना हो जाए, यानी वहम, तो इस वजह से वो यानी लोग कहते हैं कि ये एंटी सोशल होते हैं, यानी लोगों से मिलते नहीं है, ये ज्यादा बातचीत नहीं करते, ये अपने अपने अंदर ही रहते हैं, ये बाहर नहीं निकलते, यानी हर चीज को ये छोड़ देते हैं. जहाँ पे ज्यादा काम हो या जहाँ पे जो है वो लोगों के साथ बातचीत करनी हो या लोगों के साथ मिलके काम करना, ये उस चीज को छोड़ के पीछे हो जाते हैं. इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें एक इंसान जो है वो पेनफुली शाय होता है. एक होता है नॉर्मल शर्माना, एक होता है पेनफुली शाय, कि आपके हक की बात हो रही है या आपसे बात हो रही है, डायरेक्ट आपसे कोई सवाल करे तो आप उसको जवाब ना दें. सोशली इनहेबिटेड यानी सोशल गैदरिंग, इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं ये, और ये बहुत ज्यादा जो होते हैं ना वो सेंसिटिव होते हैं रिजेक्शन से. इनको इतना रिजेक्शन का खौफ होता है कि ये उस रिजेक्शन की वजह से इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता. ये लोगों से जो है ना वो क्लोज होने की बहुत कोशिश करते हैं, यानी इनके दिल में होता है कि काश हमारे साथ भी कोई होता, काश हमारा भी कोई दोस्त होता, काश हम भी लोगों से बात कर सकें. लेकिन ये जो है वो क्लोज रिलेशनशिप्स जो है ना वो नहीं रख सकते, यानी लोगों के साथ इतना क्लोज नहीं हो सकते क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता. ये तीन टाइप्स थी जो हमने ऊपर डिस्क्राइब की हैं, क्लस्टर सी, क्लस्टर बी और क्लस्टर ए. यानी हमारे जो शख्सियत के अमराज हैं वो तीन हिस्सों में तकसीम हुए हैं. नाउ क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी में कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं, हम उनको पढ़ते हैं. क्लस्टर ए यानी जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि बड़ा संगीत किस्म का लोगों का बिहेवियर होता है, और ये बड़ा अजीब सा लोग इसमें मतलब ऑड ऑड से रहते हैं, आम इंसानों से बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं. इनमें पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर और शिज़ोट्रैपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वगैरह शामिल होते हैं. क्लस्टर बी जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक होते हैं, इमोशनल होते हैं, इसमें हमारे पास आता है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर. क्लस्टर सी जिसमें बहुत ज़्यादा बेचैन और खौफ में मुबतला रहते हैं, वो हैं द अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो कि ओसीडी के नाम से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट डायग्नोसिस. डायग्नोसिस कहते हैं किसी भी चीज़ को जो है उसका हल निकालना, यानी उसके बारे में उसको यानी एक मालूम करना कि भाई ये क्या चीज़ है और इसके बारे में मतलब कि क्या हम कह सकते हैं इसको बेहतरी की तरफ कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में सिंपली ये चीज़ आती है. Diagnosis of a personality disorder requires a mental health professional looking at a long-term pattern of functioning and symptoms. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हमने किसी के शामिल किसी को जांच करनी है हमने किसी की तो उस personality disorder की, तो हमें उसके लिए एक mental health professional looking चाहिए, यानी एक ऐसा चाहिए पूरी background history वगैरह strong चाहिए जो long-term patterns of functioning और symptoms को वाजे करे, यानी हम उसे मालूम हो सके. डायग्नोसिस इज टिपिकली मेड इन इंडिविजुअल्स 18 और ओल्डर. जब आप किसी को डायग्नोस करने लगते हैं, यानी किसी की मदद करने लगते हैं, किसी के जो है वो किसी ये पर शख्सियत के अमराज के बारे में किसी के अंदर ढूंढने लगते हैं, तो इस चीज़ की सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो ये होता है कि जो मुतासर शख्स आपके पास आया है, जो क्लाइंट आपके पास आया है ये मसला लेके, वो 18 साल से ऊपर है कि नहीं है. क्योंकि 18 साल से जो ऊपर का शख्स होता है उसको डायग्नोस किया जाता है, जो नीचे ही होता है 18 साल से कम उम्र का होता है उसको इस चीज़ से डायग्नोस नहीं किया जाता है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटीज उस वक्त डेवलप हो रही होती हैं. जो आपकी पर्सनालिटी है वो 18 साल तक बनती है. उस ये आप देख सकते हैं कि अक्सर कहते हैं कि बालिग जो होता है वो इंसान 18 साल के बाद होता है, जो आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह में भी पाकिस्तान के मौजूद हैं. तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि उस आपकी 18 साल से पहले पर्सनालिटी भी बन रही होती है, अभी आपको मतलब वो मुकम्मल नहीं हुई होती. सम पीपल विद पर्सनालिटी डिसऑर्डर में नॉट रिकग्नाइज अ प्रॉब्लम. कुछ लोग जिनको ये बीमारी होती है, जिनको ये मर्ज होते हैं, जिनको ये अमराज होते हैं, वो इस चीज़ को कबूल नहीं करते. वो कहते हैं भाई हम तो बस थोड़े मुख्तलिफ हैं, खैर हमें तो कोई बीमारी नहीं है इस चीज़ की. ऑल्सो पीपल मे हैव मोर देन वन पर्सनालिटी डिसऑर्डर. इस चीज़ में कोई शक नहीं जो ऊपर मैंने आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर बताए, कि एक शख्स को जो है वो एक से ज्यादा पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो हो सकते हैं. इस चीज़ में कोई शक नहीं है, उनको बिल्कुल हो सकते हैं. अगर किसी को जो है वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो हो सकता है उसको बाइपोलर भी हो, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, इस बात में कोई जो है वो तजाद नहीं है. एन एस्टिमेटेड 9% ऑफ US एडल्ट्स हैव एटलीस्ट वन पर्सनालिटी डिसऑर्डर. अगर हम US की बात करें तो वहां पर एडल्ट यानी 18 प्लस जितने भी लोग हैं उनके अंदर जो 9% है
उनमें से हर एक को एटलीस्ट यानी कम से कम एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो जरूर है, ये बात जो है वो है। अब हम इस चीज को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं कि हम इसको एक समराइज करते हैं जो हमने पढ़ा कि भाई ये क्या चीज है और इसका ट्रीटमेंट जिसको हम कह सकते हैं कि हर चीज जो अगर कोई मुश्किल है उसका हल जरूर है। मुश्किल कहते ही उस चीज को है जिसका हल निकल है, जिसका हल मौजूद होता है, होता ही ये सारी चीजें। तो हमें इस चीज को मद्देनजर रखना है कि काफी लोग जो है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से रिकवर हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, ये एकदम से जो है वो सही नहीं होते, उनको वक्त लगता है सही होने में। साइकोलॉजिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है लेकिन ये हमेशा काम नहीं आता, कभी कभी आपकी मदद करते हैं, कभी कभी सिर्फ आपको सपोर्ट की जरूरत होती है। बाज केसेस में ये देखा गया है कि सिर्फ एक सपोर्ट की वजह से जो क्लाइंट है वो बेहतर होता चला जा रहा है, हालांकि उसको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसको कोई जो है वो थेरेपी वगैरह नहीं दी, कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उसको सिर्फ एक सपोर्ट की जरूरत थी और वो बेहतर हो गया। ये सारी चीजें जो होती है ना वो डिपेंड करती हैं कि आपका डिसऑर्डर यानी जो आपका जिस मर्ज में आप मुब्तला हैं उसकी शिद्दत कितनी है, वो कम है, वो मॉडरेट है या सिवियर है, और उसके साथ जो है वो कोई और मसले मसाइल तो नहीं शुरू हो गए। सम माइल्ड टू मॉडरेट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैव इम्प्रूव्ड विद साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी कहते हैं तमाम थेरेपीज का जो मिक्सचर होता है उनको कहते हैं, और इसमें ये माइल्ड टू मॉडरेट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं, यानी सिवियर नहीं, नॉट विद ऑल सिवियर, लेकिन कुछ माइल्ड से मॉडरेट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से वो आराम से साइकोथेरेपी के से खाली साइकोथेरेपी से इम्प्रूव हो जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल थेरेपीज हैव बीन शोन टू हेल्प पीपल विद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। शख्सियत के अमराज के लोगों को मदद करने के लिए बहुत सारी साइकोलॉजिकल थेरेपीज अब तक जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी गई हैं और वो लोगों के ऊपर अप्लाई भी हो रही हैं। हाउ एवर देर इज नो सिंगल अप्रोच दैट सूट्स एवरीवन। इस बात को हम बिल्कुल जो है वो डिनाई नहीं कर सकते कि कोई एक अप्रोच जो है वो सबको जो है वो सबके ऊपर इस्तेमाल नहीं हो सकती। हर जैसा कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को जाहिरी तौर पे हर शख्स को एक दूसरे से अलग बनाया है, तो बिल्कुल इसी तरह हमारे जो इनर सेल्फ है हम अंदर से भी हर शख्स से मुख्तलिफ हैं। हर हमारा दिमाग हर शख्स से मुख्तलिफ है, हमारी बॉडी के न्यूरो ट्रांसमीटर, हमारे न्यूरोन्स, हमारा ब्रेन के स्ट्रक्चर ना तो एक चीज फिक्स है लेकिन उसके अंदर जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं ये सारी चीजें हर शख्स से मुख्तलिफ है। हमारी ब्रेन है, बिल्कुल ब्रेन है, लेकिन ब्रेन के अंदर जो काम हो रहा है वो हमारा हर शख्स से जो है वो मुख्तलिफ है। हमारा दिल है, बिल्कुल है, लेकिन हमारे दिल का जो अंदर से जो वो जो ब्लड सप्लाई कर रहा है वो बिल्कुल सबको नॉर्मली कर रहा है, लेकिन किसी की जो है वो हार्ट बीट स्लो है, किसी की जो है वो तेज है, किसी का अलग मसला है, किसी का बाय बर्थ मसला है, किसी का कोई जो है वो डिजीज है, डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये सब उसकी जो है वो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कम है। तो ये सारी चीजें जो है ये हर इंसान की मुख्तलिफ है। बिल्कुल इसी तरीके से इसी वजह से कोई एक अप्रोच जो है वो हर शख्स को सूट नहीं हुई, हर किसी का जो है वो अपना अपना ट्रीटमेंट है जो हर किसी के अपने हिसाब से है। नॉट ऑल टॉकिंग थेरेपीज आर इफेक्टिव। हम जो थेरेपी करते हैं बेसिकली हमारी जो साइकोथेरेपी होती है, हम उससे सामने वाले को जानने की, उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि हमें पता चले आखिर इसके साथ परेशानी क्या है। तो ये सारी जो थेरेपीज इफेक्टिव नहीं होती, बार दफा जो होता है कि एंड ये मतलब इफेक्टिव नहीं होती, लाजमी नहीं कि किसी को सिर्फ आप साइकोथेरेपी देते रहें। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि बास केसेस में ऐसा होता है कि इंसान को सिर्फ अगर माइल्ड टू मॉडरेट में अगर साइकोथेरेपी ही दे दी जाए तो वो बेहतर मतलब होना ऐसा ऐसा शुरू हो जाता है, लेकिन बाज दफ़ा ऐसा नहीं होता। इट इज़ असेंशियल दे आर डिलीवर्ड बाय अ ट्रेन थेरेपिस्ट। ये बात हम सबको मालूम है कि नीम हकीम खतरे जान, बिल्कुल यही बात की गई है कि एक प्रोफेशनल ट्रेन से ही हमेशा जो है वो यानी प्रोफेशनल ट्रेन थेरेपिस्ट जो होते हैं हमेशा उसी से ही हम लोगों को थेरेपी लेनी चाहिए। कि आम जो होते हैं मतलब जो लोग कहते हैं कि भाई हम बहुत अच्छी बात कर लेते हैं और ये साइड हम तो बहुत अच्छे साइड, ऐसा नहीं। जिसके पास डिग्री है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, आप उसके पास जाएं और थेरेपी लें। देर आर नो मेडिकेशन स्पेसिफिकली टू ट्रीट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आज तक हालांकि इसके ऊपर काम चल रहा है लेकिन आज तक ऐसी कोई दवाई जो है वो इजाद नहीं हुई जो सिर्फ स्पेशली पर्सनैलिटी यानी शख्सियत के अमराज को जो है वो ठीक कर सके। ऐसी कोई बीमारी अब तक दुनिया में नहीं है। हाउएवर लेकिन ये है कि एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन और मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है लोगों को जो ये सिम्टम्स आते हैं बीमारी की जो है वो कोई जो शख्सियत की अमराज है इनकी कोई दवाई नहीं है, लेकिन जो इनके अंदर सिम्टम्स आते हैं वो उसकी जो है वो दवाइयाँ मौजूद हैं। जैसे आपके मूड डिसऑर्डर का हमने ऊपर पढ़ा, हमने एंजाइटी के बारे में पढ़ा, हमने डिप्रेशन के बारे में पढ़ा, हमने ये सब इन सब चीज़ों की जो है वो दवाइयाँ मौजूद हैं और इन दवाइयों से कोशिश की जाती है कि इनके सिम्टम्स को जो है वो क्योर किया जाए। फैमिली मेम्बर्स
हम इस दुनिया में आए हैं, हमें कहा हमारा एक रोल है, हम लोगों के बीच में रहते हैं, जो हमारे घर वाले होते हैं, हमारे नजदीक होते हैं, उनको पता है हम क्या कर रहे हैं, कैसे उठते हैं, कैसे जागते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। एक फैमिली मेंबर जो होता है, यानी एक फैमिली जो होती है बेसिकली, वो बहुत बड़ा किरदार करते हैं, किरदार निभा रहे होते हैं एक मुतासरा शख्स की रिकवरी में। यानी अगर कोई शख्स है जो इन अमराज में मुबतला है, उसकी फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, अगर वो उसको सपोर्ट दें, उसको जो है वो उसकी मदद करें, तो वो बहुत बेहतर हो सकता है। एंड कैन वर्क विद इंडिविजुअल हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑन द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू हेल्प एंड सपोर्ट। उसको हेल्प करके, उसको सपोर्ट देके, मोरल सपोर्ट, सपोर्ट कैन बी ऑफ एनी टाइप, और वो शख्स बिल्कुल सही हो सकता है। बट लेकिन हैविंग अ फैमिली मेंबर विद पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैन बी डिस्ट्रेसिंग एंड स्ट्रेसफुल। इस चीज़ में कोई हकीकत नहीं है कि जो शख्स इन अमराज में मुबतला है, उनकी ज़िंदगी जो है वो आसान नहीं है। वो खुद भी परेशान होते हैं और उनके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनको भी परेशान करते हैं। उनका माहौल जो होता है वो किसी वक्त भी बदल सकता है, इस बात में कोई जो है वो शक नहीं है। इस वजह से जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो क्लाइंट हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस में भी जा सकते हैं, वो परेशान भी हो सकते हैं कि भाई हम कैसे इसको संभालें और ये सारी चीज़ें। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि शख्सियत के अमराज हैं क्या। मेरा यही कहना है आप लोगों के लिए कि लोगों के साथ जो ऐसे शख्स जो ज़हनी अमराज में मुबतला शख्स होते हैं, इनके साथ प्यार से रहा करें। मैं ये नहीं कह रही कि इनकी हर गलती को माफ़ कर देंगे वो, क्योंकि जिस अजियत से वो गुजर रहे होते हैं वो सिर्फ वही शख्स जानता है जो वो उस अजियत से गुजर रहा हो। वो जानते हैं कि वो दुनिया, वो उनको हर बहुत परेशानी होती है। एक तो उनको जो उनके लोगों के जो है वो उनको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, वो खुद भी इस चीज़ से बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। हर कोई उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहा होता है, और वो कह रहा था कि वो खुद इस चीज़ से बहुत परेशान होते हैं। उनको नजर आता है कि लोग कैसे हमारे साथ जो है वो कर रहे हैं, तो हमें पागल कह रहे हैं, हम जाएं तो कहाँ जाएं। ऐसे लोगों के साथ हमें प्यार से रहना चाहिए, हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इनको मदद फराहम करनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली में या कहीं कोलीग आपको या कोई जानने वाला ऐसी बीमारियों में मुबतला है, उसको डॉक्टर के पास है, इससे बड़ी हमदर्दी आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए दुआ करें, लेकिन कोशिश करें उसको, उसकी मदद करें, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें, उसको कहें कि यार कुछ नहीं होता, थेरेपी तो हर आम इंसान की ज़रूरत होती है। उनको जहनी मरीज बुला बुला के परेशान ना करें कि भाई तुम तो जहनी मरीज हो, तुम्हें तो ये बीमारी है। तो लेबल ना लगाएं किसी के ऊपर लेबल ना लगाएं। आप खुदा नहीं है, आपको हर चीज़ मालूम नहीं है कि किसी के अंदर क्या चल रहा है। अगर आप देखें कि कोई परेशान है, उसको साइकोलॉजिस्ट के पास है। साइकोलॉजिस्ट एक वाहिद ऐसा डॉक्टर है जो आपसे बात करके आपके दिमाग की, आपके सोचने समझने की सलाहियत को सुकून में ला सकते हैं, आपकी परेशानियां हटा सकते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको और भी इस चीज़ से मुतालिक कोई सवाल हैं या आप मज़ीद इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस बारे में जानना चाहते हैं, और आप इस चीज़ को कैसे समझते हैं कि क्या इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है, और आप कुछ और भी हमें बताना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो। थैंक यू सो मच।